निरक्षरों के भाग में रहती है लाचारी, भूख गरीबी मजबूरी आंसू और बीमारी, धड़क धीमा रे, धड़क धीमा रे, निरक्षरों के जीवन में होता है अंधेरा, रहता है उनके आंगन में दुखों का डेरा, धड़क धीमा रे, ओ धड़क धीमा रे। सुंदर गांव के लोगों को पढ़ाने का संकल्प लेता है, किंतु उम्र बड़ी होने के कारण लोग पढ़ने से शर्माते हैं। महाजन लोगों के हिसाब में घोटाला करके उन्हें लूटता है। कांता और रामूड़ी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाती है। भूरा दौड़ते हुए लकड़ी लेकर भिखू के पास आता है। रामूड़ी लकड़ी पढ़कर बताती है कि हीरिया अपने खेत की ओर चोरी करने गया है। सब मिलकर खेत में जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर हीरिया और साथी भाग जाते हैं। वहां खेमू को पता चलता है कि रामूड़ी ने पढ़ाई शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची की बातें जानकर खेमू अक्षरों की जादूगरी से प्रभावित हो जाता है। सुंदरलाल के पास जाकर खेमू पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है। एक नया सिलसिला शुरू होता है पढ़ाई का। जब भिखू को खेमू की पढ़ाई का पता चलता है तो वो भी छुप छुपा के पढ़ने को तैयार हो गया। राहत कार्य के पैसे बांटते समय पटेल 100 के अंगूठे पर 50 रुपये देता है। तब भिखू और खेमू गाँव वालों के सामने पटेल का भांडा फोड़कर गाँव वालों को प्रभावित कर देते हैं। इतना ही नहीं, दोनों की औरतें भी ये जानकर अचंभे में पड़ गई और गांव के बाकी लोग भी सुंदर की स्कूल में भर्ती हो गए। डुम धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़क मारे, डुम धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़क मारे, विद्या ऐसा धन है जिसको लूट सके न लुटेरा, भैया लूट सके न लुटेरा, विद्या का सूरज उगने से भागे दूर अंधेरा, हाँ हाँ भागे दूर अंधेरा, विद्या ऐसा धन है जिसको लूट सके न लुटेरा, हाँ हाँ लूट सके न लुटेरा। अलबेला नर जिवला मेरा नाम, मैं हूँ नटराज, खोलो आँख हर का लगाओ ध्यान, मजे की है ये कहानी समझने की है ये कहानी, डुम धमक डुम डुम धमक डुम डुम धड़क। बुरली, एक बात बता, तू तो बहुत होशियार है ना? हाँ, तूने ही बताया है। तो तुझे तो सब कुछ पता होगा? हाँ, सब पता है। तो ये भी पता होगा कि सुंदरलाल किधर है, क्या कर रहा है? हाँ, तो? तो बता कि सुंदरलाल किधर है? सुंदरलाल? हाँ, सुंदरलाल वो है ना, सुंदरलाल। रहने दे, मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ सुंदरलाल कहाँ। चल। तो देख। ये क्या कर रही है कमली तू? देख कमली, अब मजाक बहुत हो चुका, मुझे गांव वालों को पढ़ाने में तुम्हारी मदद चाहिए। मगर मुझे तो कुछ आता ही नहीं, सिर्फ 3-4 शब्द आते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें जितना आता है उतना ही लोगों को सिखाना, ऐसे तुम्हारी जानकारी भी बढ़ जाएगी
और वो लोग भी सीख जाएंगे। हुँ? तो ठीक है, मगर तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। स्कूल में लोगों को सुनाई थी वैसी। तो ठीक है, बैठ। एक था कौवा, उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में उड़ता उड़ता एक घर के पास जाके बैठा। उसने एक मटका देखा, लेकिन मटके में पानी बहुत कम था। वो जाके मटके के ऊपर बैठ गया। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो पानी पी ना सका। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और फिर उसने अपनी चोंच में एक कंकर लिया और पानी के अंदर डाल दिया। जैसे जैसे वो पानी के अंदर कंकर डालता गया, वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया। फिर उसने आसानी से पानी पी लिया और उड़ गया। देखा कमली, ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाने से और खुद मेहनत करने से बहुत कुछ पा सकते हैं, जैसे कौवा ने किया। अरे खेमो, तू ये क्या कर रहा है? दवाई छिड़क रहा हूँ। कपास के खेत में? हाँ, इससे कीड़े मरेंगे, पर इससे तो कपास को नुकसान भी होगा। नहीं, इससे कपास को नुकसान नहीं होगा, इससे सिर्फ कीड़े ही मरेंगे। भिकू है कि नहीं भाभी? हाँ है ना। ए हमने की ये शंकर भैया आए। ए भिकू भाई, भिकू भाई, राम राम। राम 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 शंकर भाई, राम 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 राम। आबे कहो किससे आना हुआ? बस यूं ही गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलते चलूं। अच्छा हुआ आया भाई। कहो फसल कैसी रही भिकू भाई? फसल तो शुरू में क्या है कि इलियों की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ, बाद में थोड़ी दवाई वाई छिड़की तो फसल एकदम अच्छी रही। क्या भिकू भाई, मेरे भी कपास के खेत में इलिया पड़ गई। देखो जरा, वो रामू कह रहा था कि तुम्हारे पास उसकी दवाई है। हाँ है तो सही। तो मुझे भी चाहिए दवा। लो एक ये बीड़ी पियो, मैं लेके आता हूँ। ये ले शंकर, इसमें दवा का नाम लिखा है। भिकू भैया, तुम तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए। राम राम भिकू भैया। राम 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 डॉक्टर। अरे क्या बात हो गई, बहुत हंस रहा। अरे हाँ भिकू, ये तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। ये देख, ये पेपर में आया है कि टमाटर की नई वेराइटी निकली है, जिसमें क्या है कि लागत भी कम लगती है और आमदनी भी है ना दुगनी है। अरे वाह, बड़े काम की खबर लाया तू तो खेमो। अरे ये बीज तो हम जरूर मंगवाएंगे। अक्षरों में बड़ा जादू है। अरे शंकर, तू भी सीखेगा ये अक्षरों की जादूगरी? हाँ। देखा देवला, अक्षर देव की कृपा। हाँ देख रहा हूँ, अक्षर देव के चमत्कार अद्भुत है। चल मैं तुझे एक और चमत्कार दिखाती हूँ। एक और चमत्कार? कौन सा? उसका नाम है बेरानी कुलड़ी। अगर हिसाब सही रहेगा ना, तो समिति की बहनों का भरोसा भी बना रहेगा। सही बात है ये तो। अपना राम राम, राम राम रत्ना। ओहो, और रत्ना कैसे आई, पैसे जमा कराने आई क्या? नहीं रे, मैं तो पैसे लेने के लिए आई हूँ। राजू के बापू है कि नहीं, उसको कल शहर के अस्पताल ले जाएंगे। पैसा तो जरूर मिलेगा, पर तेरे खाते में तो 630 रुपया जमा है। पर मुझे तो 1000 की जरूरत है। कोई बात नहीं, तुझे बैरानी कुलड़ी से कर्जा भी मिल जाएगा और उस कर्जे को तू किश्तों में चुका देना। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी की क्या बात है इसमें रत्ना, बैरानी कुलड़ी तो हम सब बहनों की संस्था है।
अगर आज बैरा की कुलड़ी ना होती ना तो मुझे वो महाजन के पास जाना पड़ता। वो मुआ महाजन है ना, वो ब्याज के नाम से लोगों का खून चुसता खून। अरे रत्ना, तेरी देवरानी क्षमता है ना, तू उसे समझा कि वो बैरा की कुलड़ी की सदस्य बन जाए तो उसको काम धंधे के लिए पैसे मिल जाएंगे। ए बोरली, तो मुझे भी थोड़ा सा उधार दिलवा देना। क्यों, क्या बात है, किस लिए? वो कल मुझे शहर जाना है। तो उसमें पैसे लेने की क्या जरूरत है? वहाँ से एक साइकिल खरीदूंगा। क्यों? और उस साइकिल में मैं तुझे बिठा कर पूरे गांव की सैर करवाऊंगा। पर लौटा। लीजिए चाय। अरे मेरी चाय में मक्के? अब तो यही करना पड़ेगा ना, इस बैरानी कुलड़ी ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। निकी राम, कुछ कर, इस बैरानी कुलड़ी ने फोड़ दे, नहीं तो तेरा धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। अबे गुंगे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तेरी तो मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा सुंदर के चमचे। ओ चंपा, रत्ना, अरे ओ रत्ना, अरे चंपा, ओ चंपा, अरे क्या बात है चमली? आज अपने गांव में डॉक्टरों की शिविर है। डॉक्टरों की शिविर? तुमको किसने बताया? हम लोगों को सुंदरलाल ने बताया। हाँ, शहर के अस्पताल से डॉक्टर लोग आए हैं और गांव के लोगों की मुफ्त में जांच करेंगे और इलाज भी करेंगे। लेकिन मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। मैं तेरी बात नहीं कर रही, तेरे मुन्ने की बात कर रही हूँ। उसको ले जाकर टीके लगवा दे। टीके? कैसे टीके? सुन, काली खांसी, टीबी, डिप्थीरिया और चेचक जैसे रोगों के लिए बच्चों को टीके लगवाना बहुत जरूरी है और वो टीके हमारे गांव में मुफ्त लगाए जाएंगे। अच्छा, ये बात है तो मैं भी जाती हूँ अपने मुन्ने को लेके। और रत्ना दीदी, आप भी अपनी मुन्नी को टीके लगवा लो। अच्छा, तो मैं भी आती हूँ। हाँ, तुम लोग जाओ, हम गांव के दूसरे लोगों को खबर करके आते हैं। चलो, चलो। जय महाकाली, अरे खबर खाली, तेरा वचन न जाए खाली। गुरुदेव, गुरुदेव और गुरुदेव अपने कान में उड़ते उड़ते लगी है। ये टीके लगने के बाद बच्चों को कुछ बीमारियां नहीं होती है। हाँ गुरुदेव, वो सुंदरलाल है ना, सुंदरलाल उसके कहने से हुआ है। तो मतलब ये कि सुंदरलाल ने ही हमारे धंधे को चौपट किया है। उसकी क्या हिम्मत? हाँ गुरुदेव, उसकी हिम्मत तो बहुत बढ़ती जा रही है और इसका कारण है गांव वाले। इन गांव वालों ने उसको सिर पे बिठा के रखा है, सिर पे। तुकाराम। हाँ गुरुदेव, ये बात हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये गाँव हमें छोड़ना पड़ेगा। गाँव के लोग हमें घृणा की निगाह से देखेंगे। हाँ गुरुदेव, इसका कुछ डोरा करो, डोरा इलाज करो इसका कुछ। जरूर करूंगा तुखिला, जरूर करूंगा। हाँ गुरुदेव, जा। हमें पता लगा लाल के हमारे अलावा और कौन कौन दुश्मन है। हाँ गुरुदेव, जय महाकाली। आज इस गांव में
सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है सुंदरलाल। सुंदरलाल की शिक्षा की वजह से आज खेमू और टुकू ने मुझे पूरे गांव में बेइज्जत किया है। और सुंदरलाल की शिक्षा के वजह से गांव में औरतों ने बैरानी कुल्हड़ी चालू कर दी और मेरा तो धंधा ही चौपट कर दिया। महाजन, सबसे बड़ा पाप तो सुंदरलाल ने ये किया है कि वो शहर से डॉक्टरों को ले आया, गांव में शिविर लगवा दिया। अरे पटेल, ये डॉक्टर लोग कोई शहर से गांव में इलाज करने नहीं बल्कि हमारा खून चूसने आते हैं, खून। और पटेल, अगर इसी तरह चलता रहा तो गांव में भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा और बताओल भैरवी नाराज हो जाएगी। हाँ बाबूजी, हाँ आप ठीक कहते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी बीमारी है सुंदरलाल और इस बीमारी को खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ, और गुरुदेव, इस सुंदरलाल को टीका लगाना पड़ेगा, टीका। सुंदरलाल तो मुझे कांटे की तरह चुभ रहा है। तुम लोगों ने आगे क्या सोचा है और आप हमें आगे क्या करना है? सोचना क्या पटेल, अब जो कांटा चुभ ही रहा है तो उसे निकाल के फेंक दो। और ये काम तो हिरिया सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ महाजन, ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इस सुंदर लाल का पत्ता तो साफ मैं ही कर सकता हूँ, बाकी वो पुलिस का लफड़ा कौन संभालेगा? हरिया, उसकी चिंता मत कर, पैसे के साथ साथ हम पूरी सिफारिश का जोर भी लगा देंगे। हमारे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ तो पटेल, तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी। अरे देवला, क्या? अरे ये पूछ के क्या नहीं हुआ, सब खत्म, सब गया, सब बर्बाद हो गया। अरे अब रोता ही रहेगा या कुछ बताएगा? अरे सुंदरलाल भी गया और गांव की पढ़ाई भी गई। अब ये रोना बंद कर और साफ साफ बता कि सुंदरलाल को क्या हुआ। चिड़िया खेत चुक जाएगी। और अरे चिड़िया के बच्चे, बता भी कि क्या हुआ सुंदरलाल को। अरे सुंदरलाल आज शहर से वापिस आ रहा है। अच्छा है ना? क्या कहा कच्चा है, वो हमारे गांव के बदमाशों ने कल रात में उसकी पिटाई की योजना बनाई है, वो महाजन, बड़वा, पटेल और उजीरिया ने। देख जेवला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, समझा? हाँ, वो बुरा तो बैठा था कल वहाँ। हेमू काका, क्या बात है कमली, तू इतना घबराई हुई क्यों है? हेमू काका, वो हीरिया और उसके साथी चौपल के पास छिप कर खड़े हैं। किसी को लूटने की घात में होंगे। काका, सुंदरलाल शहर गया है और उसके लौटने का समय हो गया है और गुंगा ने मुझे बताया कि उसी को पीटने खड़े हैं। उसे क्यों पीटेंगे? अच्छा तू एक काम कर, गांव के बाकी के लोगों को लेके वहाँ पहुँच, जब तक मैं चौपाल पे पहुँचता हूँ। मैं पहुँचता हूँ। कमले, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ में। मजा आ गया गुरु। मेरी खबर तो सही है ना कि सुंदरलाल शहर ही गया हुआ है? बस आने ही वाला है। वो देखो सुंदरलाल आ रहा है। आ रहा है? पकड़ो साला को, पकड़ो तुम लोग। Come on!
धीरे 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 राम राम देखो राम 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 सुंदरलाल राम राम काका राम राम रामूडी राम 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 कैसे हो सुंदरलाल बस ठीक हूँ काका थोड़ा दर्द है ठीक ही हो हेमो अब तो हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा हाँ पानी सिर से ऊपर चलेगा उन तीनों बदमाशों को सबक सिखाना ही पड़ेगा हाँ जरूर देखो खेमू काका जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे बाद में पछताना पड़े वो तो भगवान का उपकार मानो कि सही वक्त पर कमली वहाँ पहुँच गई पर हम लोग ठीक समय पर वहाँ पहुँच गए मुझे तो इसके पीछे बहुत गहरी चाल लगती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो तीनों बदमाश अभी तक पकड़े नहीं गए अरे पकड़ाएंगे कहाँ से थानेदार ने पकड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की है थानेदार साहब उन लोगों को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया क्या बकते हो तुम हमने उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की है मैं खुद तीन बार उनके घर पर होके आया हूँ और वो वहाँ नहीं है ये तो हम भी समझते हैं थानेदार साहब पुलिस से बचने के लिए कोई भी अपराधी अपने घर पर नहीं रहेगा हाँ थानेदार साहब उन लोगों को उनके घर पर तलाश करना तो बेकार है तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं निकल पड़ूं उन तीनों की तलाश में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है ना थानेदार साहब अपराधियों को पकड़ने के लिए आपको पूरे हिंदुस्तान में घूमने की कोई जरूरत नहीं है क्या मतलब यही कि अपराधी कहाँ छुपे हैं ये हम जानते हैं कहाँ छुपे बताओ पटेल के घर में सुना थानेदार साहब वे तीनों पटेल के घर में हैं। ठीक है मैं भी पटेल के घर की तलाशी लूंगा अब तुम लोग जा सकते हो कैसी हो माँ ठीक हो कमली बेटा ये क्या हुआ सुंदर भैया कुछ नहीं गिर गया था नहीं किसने पीटा है किसने पीटा आपको तेरे बापू से पूछ जाकर उसे सब पता है मेरे बापू को पता है तब तो मेरे बापू उन्हें जरूर पकड़ लेंगे और उनकी पिटाई करेंगे तेरे बापू उसे नहीं पकड़ने वाले क्यों नहीं पकड़ने वाले तेरे बापू बुरे लोगों का साथ देते हैं अच्छों का नहीं कमली ये गांव की औरतें वो रत्ना और चंपा भी आ रही है हाँ। वो आ जाए फिर बताना शुरू करना है अरे जल्दी चल रहे रत्ना हम तुम्हारा ही रास्ता देख रहे जल्दी चल सुनो नी बहनों अपनी आंखों से हीरिया और उनके साथियों को पटेल के घर में घुसते देखा है पुलिस को खबर दी फिर भी कुछ नहीं हुआ इससे साफ पता चलता है कि कुछ बड़े लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए हमें अपनी आवाज काफी ऊंचे लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी और हम सब महिलाएं कलेक्टर की कचहरी के सामने बैठकर भूख हड़ताल करेगी तो ही इसका निकाल आएगा बोलो तुम सब लोग तैयार हो तो हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पढ़ाई के दुश्मन मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया हाँ थोड़ा कुछ लेकिन महिलाओं की भूख हड़ताल का बड़ा गहरा असर पड़ा पूरे तंत्र में खलबली मच गई थानेदार ने दो ही दिनों में हिरिया और उसके साथी को पकड़ लिया बहुत अच्छा हुआ इसे कहते हैं नारी संगठन की सफलता और पढ़ाई का चमत्कार जिसकी झोली में है वो बनता है महान वो बनता है महान विद्या जिसकी झोली में है वो बनता है महान वो बनता है महान तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है मुझे विश्वास है कि ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी ये मेरा सौभाग्य होगा अरे भूरा आजा आजा रिपोर्टर साहब ये भूरा है राम राम अगर ये नहीं होता तो इतना सारा काम मैं नहीं कर सकता
इसने हर जगह मेरी बहुत मदद की है। अच्छा ठीक है, मैं फोटो ले लेता हूँ। रिपोर्टर साहब, एक फोटो जरा भूरा के साथ भी ले लो। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं ये फोटो की कॉपी तुम्हें 2 या 3 दिन में दे दूँ। हाँ, तुम्हें भी दूंगा। ठीक, अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम। सुनिए, कहो। आप मेरे बारे में कम लिखना, लेकिन पढ़ाई के बारे में ज्यादा लिखना, क्योंकि शिक्षा ही हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में भी लिखूंगा और पढ़ाई के बारे में भी, क्योंकि पढ़ाने के लिए सुंदरलाल जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। धड़क दिमागे, धड़क दिमागे।